गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड वन सब्जेक्ट इंग्लिश। इन पार्ट वन वी सो स्टोरी एंड इन पार्ट टू वी सो थ्री लिटिल पिग्स क्वेश्चन आंसर। पार्ट टू में हमें क्या देखना है? थ्री लिटिल पिग्स के क्वेश्चन आंसर देखने हैं। सो लेट्स सी, ये सारे जो क्वेश्चन आंसर है आप लोगों को नोटबुक में लिखने हैं। राइट आंसर इन वन वर्ड। हाउ मेनी पिग्स वेर देयर? हाउ मेनी पिग्स, हमने स्टोरी में कितने पिग्स देखे थे? आंसर इज थ्री लिटिल पिग्स। कितने पिग्स थे? थ्री लिटिल पिग्स। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डिड द बिग वुल्फ से टू पिग्स? जो बिग वुल्फ है उसने पिग्स को क्या कहा था? हफ एंड पफ। क्या कहा था? हफ एंड पफ। क्वेश्चन नंबर थ्री, वॉज द वुल्फ गुड और बैड? तो वुल्फ कैसा था? स्टोरी में आप लोगों ने देखा था ना, तो वुल्फ कैसा था? बैड था ना। वेरी गुड, कैसा था वुल्फ? बैड था। व्हाट इज योर हाउस मेड अप? मींस क्या होता है कि आपका हाउस किससे बना हुआ है? सो आंसर इज ब्रिक्स। आंसर क्या है? ब्रिक्स। वो इज गुड, तो हम लोगों ने जो स्टोरी देखी थी उसमें गुड कौन था? लिटिल पिग्स थे या वुल्फ थे? सो आंसर इज थ्री लिटिल पिग्स। वो इज बैड, बैड कौन था? वुल्फ। हम लोगों ने देखा था ना कि जो वुल्फ था वो कैसा था? बैड था, क्योंकि वो क्या कर रहा था? जो थ्री लिटिल पिग्स थे उसके हाउस को गिरा दे रहा था। सो दैट्स व्हाई जो वुल्फ है वो क्या है? बैड है। चलो, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए। सो ये सारे क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखने हैं, वन टाइम लिखने हैं। अभी स्टूडेंट्स आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक निकालनी है, देख लो यहाँ पर। तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 11 निकालना है। कौन सा पेज नंबर निकालना है? 11। से अलाउड, फर्स्ट क्या है? से अलाउड। फर्स्ट इज ओ एन ई वन, टी डब्ल्यू ओ टू, टी एच आर डबल ई थ्री, एफ ओ यू आर फोर, एफ आई वी ई फाइव, एस आई एक्स सिक्स। तो ये जितने भी स्पेलिंग्स है आप लोगों को क्या बोलना है? रीड करना है और जोर से बोलना है। चलो नेक्स्ट क्या है? लेट्स ड्रॉ। ज्वाइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 10 टू मेक द हाउस, देन कलर एंड पिक्चर। तो ये जो हाउस दिया है उसको 1, 2, 3, 4 ऐसे 10 तक नंबर दिए है, तो वो सारे नंबर्स आपको ज्वाइंट करने हैं और उसके अंदर फिर कलर करना है। देखो यहाँ पर 1 दिया है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर पेंसिल से आप लोगों को पहले ज्वाइंट करने हैं डॉट्स, और फिर वो डॉट्स ज्वाइंट करने के बाद हमारा हाउस कंप्लीट होगा और उसके अंदर फिर कलर करने हैं। सो यू हैव टू कलर नीटली। चलो नेक्स्ट पेज नंबर 12। चलो पेज नंबर 12 सभी लोगों को दिख रहा है? ओके, वेरी गुड। तो चलो पेज नंबर 12 में देखो क्या दिया है। देर आर फार्म एनिमल्स, वॉटर एनिमल्स एंड जंगल एनिमल्स इन दिस पिक्चर, हेल्प द एनिमल्स रीच देयर होम्स, ड्रॉ लाइंस। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे हैं। चलो देखो यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स है। तो ये सारे जो भी एनिमल्स दिए हैं तो उसमें सम एनिमल्स आर जंगल एनिमल्स, सम एनिमल्स आर वॉटर एनिमल्स एंड सम एनिमल्स आर फार्म एनिमल्स, मतलब कि वो फार्म में रहते हैं वैसे एनिमल्स। तो जो एनिमल्स फार्म के अंदर रहते हैं उसे फार्म तक पहुंचाना है, जो एनिमल वॉटर एनिमल्स है उन्हें वॉटर तक पहुंचाना है, और जो जंगल एनिमल्स है उन्हें जंगल तक पहुंचाना है। तो चलो हम पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्या है, हॉर्स। तो वो हॉर्स हमें यहाँ पर मार्क करके दिया है। तो हॉर्स को हमें कहाँ ले जाना है? फार्म में ले जाना है। तो हम कहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे? हॉर्स की लाइन फार्म तक। तो वो तो करके दी है, अभी नेक्स्ट क्या है? बैर। तो बैर कहाँ पे रहता है? फार्म, वॉटर और जंगल। तो बैर
लिव्ड इन ए जंगल, तो हम बैर को कहां मैच करेंगे, जंगल के साथ मैच करेंगे। उसके नेक्स्ट नीचे क्या दिया है, बफेलो, तो बफेलो कहां पर रहते हैं, फार्म, तो बफेलो को फार्म के साथ मैच करेंगे। चलो नेक्स्ट क्या है, हैन, हैन कहां पर रहती है, हैन इज लिव्ड इन ए फार्म। डॉग, डॉग लिव्ड इन ए फार्म। नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल कहां पर रहते हैं, तो क्रोकोडाइल इज ए वॉटर एनिमल, सो वी हैव टू ज्वाइन क्रोकोडाइल विद वॉटर। क्रोकोडाइल को कहां पर ज्वाइन करना है, वॉटर के साथ मैच करना है। फ्रॉग, तो फ्रॉग इज ऑल्सो ए वॉटर एनिमल, सो वी हैव टू ज्वाइन विद वॉटर। काव, काव कहां पर रहती है, काव इज लिव्ड इन ए फार्म, सो वी हैव टू ज्वाइन काव विद फार्म। मंकी, मंकी कहां पर रहते हैं, मंकी रहते हैं जंगल में, तो मंकी को हम जंगल के साथ मैच करेंगे। राइनोसोर, राइनोसोर कहां पर रहते हैं, राइनोसोर इज ऑल्सो लिव्ड इन ए जंगल, सो वी हैव टू ड्रॉ लाइन विद जंगल। जीराफ, जीराफ कहां पर रहते हैं, तो जीराफ लिव्ड इन ए जंगल। सो ये आप लोगों को, सब लोगों को समझ में आ गया है, तो जैसे यहाँ पर मैंने सारे लाइन ज्वाइन किए हैं, तो आप लोगों को भी वैसे ही से अपनी टेक्स्ट बुक में ज्वाइन करनी है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर यूनिट 1 थ्री लिटिल पिग्स खत्म होता है, और आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।